मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी जमात अता की है कि जो जमात ना फिरका वारियत का बीज बोती है, हर किसी को अपनाती है और हर किसी को ये दावत देती है कि अल्लाह से होने का यकीन दिलों के अंदर आ जाए और गैरुल्लाह का यकीन दिल से निकल जाए। और वो जमात तबलीग है दोस्तों। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने वो मेहनत शुरू की, उनके हिस्से में हाजी अब्दुल वहाब साहब भी आए। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी का जो नक्शा बदला तो उनकी ज़िंदगी के बदौलत पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदला। और अल्लाह ने ऐसी हस्तियां अता की हैं, आज वो नहीं तो उनके जैसे बहुत सारे मौजूद हैं। और आज इज्तिमाआत पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कभी बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान में, कभी मुल्की सतह पर, तो कभी प्रोविंस की सतह पर, कभी सूबाई सतह पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, लुत्फो करम से अल्लाह ने शिकारपुर वालों को भी इज्तिमा अता फरमाया कि वो शिकारपुर में जो इज्तिमा हो रहा है 12 से लेकर यानी 14 तारीख तक, तो जुमेरात से शुरू हो रहा है और हफ्ता वाले दिन सुबह को दुआ हो रही है, तो पूरी इंसानियत सबसे पहले तो उसके लिए दुआएं करे कि अल्लाह इस इज्तिमा को कबूलियत और मकबूलियत अता फरमाए और इसको पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बना दें। तो सबको दावत भी है कि ख़ुद भी आएँ, औरों को भी लेकर आएँ। और ये इज्तिमा फुरकान सिटी शिकारपुर के अंदर, फुरकान सिटी के बिल्कुल आमने सामने हो रहा है। ये जामड़ा आगे एक देहात है जामड़ा, तो उसी जामड़ा के बिल्कुल थोड़ा पीछे और सिंध है उससे थोड़ा आगे, उनके दरमियान में फुरकान सिटी आती है, तो उसके आमने सामने ये इज्तिमा वाक़ हो रहा है। तो पूरे मुसलमानों से दरख्वास्त है, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सब आके अपनी इस्लाह की भी फ़िक्र करें, पूरी उम्मत की इस्लाह की भी फ़िक्र करें कि ख़ुद को भी अपने दीन पे लाना है, औरों को भी दीन पे लाने की मेहनत हमें करनी है। दोस्तों, आज कोई नबी नहीं आएगा, कोई सहाबी नहीं आएगा, कोई ताबई नहीं आएगा। सहाबी तब बनता है जब नबी हो। अब नबूवत ख़त्म तो सहाबियत भी ख़त्म दोस्तों, तो सहाबियत ख़त्म तो ताबईयत भी ख़त्म दोस्तों। लेकिन आज अल्लाह ने ख़त्म नबूवत के सिलसिले के ज़रिए हमें और आपको ये मेहनत अता की है। इस मेहनत में अपनी जानों को, अपनी ज़िंदगी के नजराने पेश करने हैं दोस्तों। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इज्तिमा में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए और आगे इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।